आज हम आपको मिलाने ले जा रहे हैं सिरेमिक कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर गुजरात के मोरबी शहर से। मोरबी का सीधा सीधा अर्थ होता है मोर का शहर या सिटी ऑफ पीकॉक्स। ये शहर गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में आता है और ये शहर रण ऑफ कच्छ से सटा हुआ है। साल 2013 में घोषित हुआ यह शहर कच्छ, सुरेंद्रनगर, राजकोट और जामनगर से घिरा हुआ है। मोरबी शहर के मौसम और यहाँ की सॉइल के कारण ये शहर सिरेमिक और टाइल्स के उत्पादन का केंद्र है। आज के समय में मोरबी में लगभग 600 यूनिट्स ऐसी हैं जो सिरेमिक और टाइल्स का लगातार उत्पादन कर रही हैं। मोरबी शहर अपने समय को काफी अधिक महत्व देता है, इसीलिए इस शहर में घड़ियों का उत्पादन भी बहुत अधिक संख्या में होता है। ज्यादातर यहाँ वॉल घड़ियों का उत्पादन होता है। ये शहर अजंता, सोनेरा, समय और ओरेवा जैसी कंपनियों का घर है। साल 2002 के बाद से इस शहर में पेपर मिलों की संख्या में भी काफी भारी इजाफा हुआ है। पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पेपर का एक अहम हिस्सा इसी शहर से जाता है। यूरोपियन तरीके से प्लान करने के बाद स्थापित हुआ यह शहर भारतीय परंपरा के साथ यूरोपीय टच का मिला जुला संगम है। इस शहर का सिटी गेट या नेहरू गेट, जो कि राजपूती आर्किटेक्चर के अनुसार बनाया गया है और उस पर एक घड़ी लटकाई गई है, इस अनूठे संगम को साफ प्रदर्शित करता है। इस शहर के पास अपना खुद का आईफिल टावर भी है, जिसे यहाँ के राजा लखधीर जी ठाकुर ने आईफिल टावर से प्रेरणा लेकर अपने शहर की सुंदरता को निखारने के लिए बनाया था। इस टावर को ग्रीन टावर कहा जाता है और इसका विमोचन साल 1888 में किया गया था। इतिहास के पन्नों को पलटने पर यह पता चलता है कि यह इलाका पहले कच्छ राज्य में आया करता था और यहाँ जडेजा राजघराने का राज था। 17वीं शताब्दी में राजघराने के आपसी विवाद के कारण मोरबी शहर का जन्म हुआ। साल 1668 में यहाँ के राजा राव राय धुंजी की मृत्यु के बाद उनके तीन बेटों में से सबसे बड़े बेटे राव जी को सोढ़ा राजपूतों ने मार डाला, जिसके कारण राजगद्दी के अधिकारी उनके छोटे भाई कायन जी हुए। कायन जी के होने के बावजूद भी उनके चाचा की राजगद्दी पर गलत नजर थी, जिसके कारण कायन जी को अपने पूरे परिवार के साथ कच्छ के राजमहल को छोड़कर मोरबी आना पड़ा। उन्होंने यहां आकर मोरबी को कच्छ राज्य से स्वतंत्र घोषित कर दिया और यहां अपना राजपाट जमाया। राजा कायन जी के उत्तराधिकारियों को कायनानी कहा जाता है। इस शहर पर राज करने वाले कायनानी राजा तो कई हुए हैं, पर उनमें से इस शहर को विकसित कर इसे दुनिया का एक अहम और मजबूत हिस्सा बनाने का काम वाघ जी राव जी ने किया। महज 13 साल की आयु में पिता की मौत होने के बाद उन्होंने साल 1879 में 22 साल की उम्र में राजगद्दी संभाली और अपनी सोच को अपने राज्य के उत्थान में लगाया। उन्हें यह पता था कि केवल खेती करके कोई भी राज्य आगे नहीं बढ़ सकता है, बल्कि खेती को बाजार तक पहुंचाना भी काफी आवश्यक है। इसी काम को सफल करने के लिए उन्होंने अपने राज्य में रेलवे नेटवर्क बनवाया। उन्होंने यह भी समझा कि एक राज्य के लोग तभी उन्नति कर सकते हैं जब वे पढ़े लिखे और स्वस्थ हों। उन्होंने इसके लिए अपने राजकार्य में सबसे अधिक प्राथमिकता स्कूलों, कॉलेजों और हॉस्पिटल्स के निर्माण को दी। उन्होंने अपने राज्य को सुंदर बनाने का भी कार्य किया। शहर की अधिकतम सुंदर और नायाब इमारतें उन्हीं के राजकाल में बनाई गई थी। वाघजी राव जी के बेटे लखधीर जी वाघजी भी अपने पिता के नक्शोकदम पर चले और उन्होंने भी अपने शहर के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने इस शहर में टेलीफोन एक्सचेंज, पावर जनरेटिंग स्टेशन और युवाओं में स्किल डेवलपमेंट के लिए भरपूर कार्य किया। मोरबी शहर की कई लोग विक्टोरियन एरा के लंदन से तुलना करते हैं। इस शहर में प्रवेश करते ही सबसे पहले नेहरू गेट दिखाई पड़ता है। इस गेट का विमोचन साल 1925 में बॉम्बे के गवर्नर सर लॉयड ने किया और उन्हीं के नाम पर इस गेट का नाम रखा गया, पर स्वतंत्रता के बाद इसका नाम बदलकर नेहरू गेट रख दिया गया। यह गेट यूरोपियन और भारतीय राजस्थानी कला से बना हुआ है। 2001 में गुजरात में आए भूकंप के कारण इस ऐतिहासिक गेट को काफी क्षति पहुंची थी, परंतु साल 2007 में म्यूनिसिपैलिटी ने इसका नवनिर्माण कराया और इस गेट की शान वापस लौटी। यहाँ के राजघराने का वाघ महल और उसका एक भाग मणि मंदिर की खूबसूरती भी लोगों को काफी लुभाती है। राजपूती आर्किटेक्चर के अनुसार बना यह महल इस शहर के राजाओं की शान दिखाता है।
साल 2001 के भूकंप में इस महल को काफी नुकसान पहुंचा था। इसी महल का एक हिस्सा है मणि मंदिर, जिसे राजा वागजी ठाकुर ने अपनी पत्नी मणि की याद में बनवाया था। इस मंदिर को बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, उन पत्थरों को जयपुर राजस्थान से 30 लाख रुपए की कीमत से मंगाया गया था। इस मंदिर के कोणों, कमरों, छतरी और शिखरों की कला इतनी सुंदर है कि वह इस मंदिर को भारतीय आर्किटेक्चर का एक अनोखा भाग बनाते हैं। यहाँ का आर्ट डेको महल पूरी तरह से ग्रेनाइट से बना हुआ एक महल है। यह महल 1919 के बाद यूरोप में फैले आर्ट डेको मूवमेंट के अनुसार बना हुआ है। इस महल में 14 बेडरूम, 6 डाइनिंग रूम और एक बाथरूम है, जो कि शंखों से बना हुआ है। इस महल के बेडरूम में बनी कामुक चित्रकारी कला का अद्भुत प्रदर्शन है। यहाँ का सस्पेंशन ब्रिज मोरबी के शासकों की प्रगतिशील और वैज्ञानिक प्रकृति को दर्शाता है। यह यूरोप में उन दिनों उपलब्ध नवीनतम तकनीक का उपयोग करके मोरबी को एक विशिष्ट पहचान देने के लिए बनाया गया था। यह 1.25 मीटर चौड़ा है और दरबारगढ़ पैलेस और लखधीर जी इंजीनियरिंग कॉलेज को जोड़ने वाली मच्छू नदी पर 233 मीटर तक फैला है। हाल ही में इस ब्रिज को कमजोर होने के कारण बंद कर दिया गया था। कुछ दिनों पहले इस ब्रिज पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और यह ब्रिज टूट गया, जिसके कारण करीब 140 लोगों की मृत्यु हो गई। मोरबी शहर का वांकानेर महल भी काफी खूबसूरत है। ये महल झाला राजपूतों के राजा महाराणा राज श्री अमर सिंह जी ने करीब 225 एकड़ में बनवाया है। इसका आर्किटेक्चर वेनेशियन, गॉथिक, मुगल और राजपूतों का मिश्रण है। आज यह महल रॉयल ओसिस नाम के होटल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और इसके इंटीरियर की खूबसूरती देखने योग्य है। इसके अतिरिक्त यहाँ कई दर्शनीय मंदिर भी हैं, जैसे त्रिमंदिर, श्री स्वामी नारायण मंदिर, जादेश्वर महादेव मंदिर और श्री राफलेश्वर महादेव मंदिर। फादर ऑफ वॉल क्लॉक्स के नाम से मशहूर उद्धव जी राघव जी पटेल का जन्म मोरबी शहर में ही हुआ था। इनकी कंपनी अजंता और पेट और ओरेवा का व्यापार लगभग 45 देशों में फैला हुआ है। मोरबी शहर में ही प्रभाशंकर दलपत राम पत्तानी जी का जन्म हुआ था, जो कि भावनगर राज्य के प्रधानमंत्री थे और महात्मा गांधी के परम मित्र भी थे। इसी शहर में जैन संत और कवि श्रीमद राजचंद्र जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने अवधन और आत्मसिद्धि पर काफी कार्य किया। श्रीमद जी ने महात्मा गांधी को आध्यात्मिक दिशा दिखाने में भी सहायता की थी। साल 2011 के सेंसस के अनुसार मोरबी जिले की कुल जनसंख्या 9,60,000 के करीब है, जिनमें से 84.24% आबादी हिंदुओं की है, 14.99% आबादी मुस्लिमों की और 0.58% जैनों की आबादी है। इस जिले के करीब 97.28% लोगों ने गुजराती को अपनी मूल भाषा माना है। मोरबी शहर का मुख्य व्यापार सिरेमिक और टाइल्स का है। भारत के कुल सिरेमिक उत्पाद का 70% हिस्सा इसी जिले से होता है। दुनिया के 5% सिरेमिक की जरूरत को मोरबी जिला अकेले पूरा करता है। यहाँ का बना हुआ सिरेमिक मिडिल ईस्ट से लेकर अफ्रीका तक निर्यात किया जाता है। मोरबी शहर गुजरात के बाकी शहरों के मुकाबले नया अवश्य हो, परंतु इस शहर ने अपने आप को देश के प्रमुख शहरों में खुद बहुत शीघ्रता से शामिल कर लिया है। मोरबी शहर ने काफी संघर्षपूर्ण समय को देखा है, उस समय से जूझ कर ही वो जहां है वहां पहुंचा है। चाहे वह 2001 का भूकंप हो या साल 1779 में मच्छू नदी का बांध धसना हो या सस्पेंशन ब्रिज का हादसा, इस शहर ने कई भीषण समस्याओं का सामना किया है, पर हर बार इसने अपने आप को संभाला है और आगे बढ़ा है। यहाँ के लोगों में योद्धाओं की शक्ति तो है ही, इसके साथ साथ उनमें व्यापारी बुद्धि और कला की अच्छी समझ भी है। ऐसे नगरवासियों के होने से ये शहर किसी भी मुसीबत से भिड़कर उससे उभरने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।